नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आपका होस्ट इन दोस्त फ्रॉम ईकॉम-टेक का तड़का और लेकर आ गया हूं मैं आज की ताज़ा खबरें अबाउट ई कॉमर्स, स्टार्टअप, प्रोडक्ट्स और काफ़ी सारे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो पहली जो खबर है वो है एंट्री टैक्स के बारे में। अब महाराष्ट्र में एंट्री टैक्स लगना शुरू हो जाएगा बहुत ही जल्द। एंट्री टैक्स बेसिकली दोस्तों वो होता है जो अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं दूसरे स्टेट से और महाराष्ट्र में जा रहा है तो वहाँ पे एंट्री टैक्स कलेक्ट होगा। उसका कोई एक फिक्स परसेंटेज होता है, कहीं पे 2% होता है, कहीं पे 8% होता है, 10% और 15% तक भी जा सकता है। ठीक है, तो एंट्री टैक्स जो है वो अब कुछ ही दिनों के अंदर महाराष्ट्र में लगना शुरू हो सकता है। तो इसमें थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा सेल्स में, क्योंकि काफ़ी सारे जो सेलर्स हैं वो महाराष्ट्र में नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि जो कॉस्टिंग होगी प्रोडक्ट की वो थोड़ी हाई हो जाएगी। और काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिटर्न्स भी आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे कस्टमर्स होंगे जो एक्स्ट्रा पैसा पे करना नहीं चाहेंगे। तो ये प्रॉब्लम एक हमें जो दिख रही है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ये नए रूल के हिसाब से बहुत ये प्रॉब्लम फेस हो सकती है। दूसरी खबर यह है दोस्तों, अगर आप अमेज़न में सेल कर रहे हैं और अगर आप थोड़ा अच्छा पैसा बनाना चाहते हैं तो अब आप लार्ज अप्लाइंसेस जो है, बड़े अप्लाइंसेस जैसे रेफ्रिजरेटर है, टेलीविजन्स है, वॉशिंग मशीन्स हैं, तो अगर आप उसमें डील कर रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे आपको अमेज़न में, क्योंकि अमेज़न ऐसे सेलर्स को अभी ढूंढ रहा है हर एक सिटीज़ में, क्योंकि उनके पास लार्ज अप्लाइंसेस के सेलर्स बहुत कम हैं और लार्ज अप्लाइंसेस में बहुत रिस्क होता है ट्रांसपोर्टेशन का। इसलिए वो लोग अब छोटे छोटे शहरों में ये लार्ज अप्लाइंसेस के सप्लायर्स ढूंढ रहे हैं। तो अगर आप अमेज़न में टाई अप करना चाहते हैं अपने लार्ज अप्लाइंसेस बेचने के लिए तो आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि लार्ज अप्लाइंसेस में टर्नओवर ज़्यादा होता है, उस हिसाब से मार्जिन भी शायद आपको अच्छा मिल सकता है। ओके दोस्तों, आगे पेटीएम के बारे में बात करेंगे। छोटी सी खबर है, अगर आप पेटीएम में सेल करते हैं तो आज पेटीएम में एक ऑफ़र आया है 250 रुपीज़ कैशबैक का। तो आप उसके वेबसाइट में सेलर पैनल में लॉगिन करके, वो वेबसाइट में एक लिंक दी हुई होगी, वो लिंक पे क्लिक करके एक छोटा सा सर्वे फिल करके आप वो 250 रुपीज़ का कैशबैक ले सकते हैं। ओके, चौथी खबर जो है थोड़ी अच्छी है। अगर आप ऑनलाइन मोबाइल में आप मूवीज़ देखते हैं या फिर सीरियल्स देखते हैं तो आपको पता होगा शायद अमेज़न प्राइम वीडियोस करके नया जो फीचर है वो लॉन्च किया है इंडिया में। ये पहले यूएस में था, अब इंडिया में अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। अभी इनिशियली इस महीने के लिए अमेज़न ये फ्री दे रहा है 30 डेज़ के लिए ट्रायल पीरियड, तो आप चाहे तो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। वहाँ पर आपको काफ़ी सारी मूवीज़ भी देखने मिलेंगी लाइव स्ट्रीमिंग में, और डाउनलोड तो शायद आप नहीं कर पाएंगे लेकिन उसमें देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। 30 डेज़ का ट्रायल पीरियड है, तो चाहे तो आप मोबाइल में अभी इंस्टॉल कर सकते हैं। अमेज़न का प्रोडक्ट है, अमेज़न का फीचर्ड प्रोडक्ट है, तो नेचुरली अच्छा ही होगा। इससे तो थोड़े जो ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जैसे कि हॉटस्टार हैं, उनको काफ़ी थोड़ा धक्का लगेगा। आज ही मैंने देखा था न्यूज़पेपर में, ये न्यूज़पेपर मेरे पास ही है, आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए, ये अमेज़न प्राइम का ऐड है, ठीक है। तो जैसे ही ये पेज आप खोलेंगे तो सारे फीचर्स यहाँ पे अमेज़न प्राइम के आपको दिखने मिलेंगे, क्या क्या मूवीज़ वगैरह हैं। और उनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं हॉटस्टार, तो उन्होंने देखिए क्या किया है यहाँ पे, उनके नेक्स्ट पेज पे ही हॉटस्टार का ऐड है बहुत बड़ा पूरे पेज पे। तो हॉटस्टार ने क्या किया, अमेज़न की जो एक स्टाइल है A to Z लिखने की, वो स्टाइल यहाँ पे कॉपी करने की कोशिश की हुई है। अगर आप देखें यहाँ पे दिखेगा आपको A to Z, ये A to Z जो है वो अमेज़न का एक्चुअली लोगो है, A to Z का। यहाँ पे देखिए, ये आपको दिखेगा यहाँ पे A to Z जो यहाँ पे लिखा हो रहा था अमेज़न में, तो वही कॉपी करने की कोशिश की है। ओके, तो जैसे आपने देखा दोस्तों कि कॉम्पिटिशन अब यहाँ पर भी आ चुका है अमेज़न का, और जितने भी हमारे इंडियन कंपनीज हैं उनको सबको थोड़ा प्रॉब्लम तो हो ही रहा है, क्योंकि अमेज़न जो है वो धीरे धीरे हर एक प्रोडक्ट में, हर एक फीचर में इन्वॉल्व हो रही है। वैसे कंज्यूमर्स के लिए, यूज़र्स के लिए काफ़ी फ़ायदे वाली बात है। और वैसे आपको और एक चीज़ बता दूँ, अगर आप अमेज़न प्राइम में रजिस्टर होना चाहते हैं 1 महीने के बाद, तो आपको 499 रुपीज़ देना पड़ेगा। 499 रुपीज़ में आपको दूसरे बेनिफिट्स भी मिलेंगे, जैसे कि
फ्री शिपिंग है अमेज़ॉन की तरफ से, अर्ली एक्सेस टू लाइटनिंग डील्स है, वो थोड़ी जो आपके फीचर्स हैं अमेज़ॉन के वो आपको मिलेंगे। पांचवी खबर दोस्तों ये है कि छोटी सी खबर है, अगर आप अपने प्रोडक्ट्स हैं कोई भी उसको अगर सेल कर रहे हैं या कहीं पर भी भेज रहे हैं तो उसमें आप नेशनल एम्ब्लेम या फिर कोई ऐसा लोगो नहीं लगा सकते जो बैंड है, जैसे कि हमारा इंडिया का फ्लैग है, ठीक है, वो हम किसी भी प्रोडक्ट में यूज़ नहीं कर सकते। वैसे ही काफ़ी सारे कंट्रीज़ के जो नेशनल एम्ब्लेम्स हैं वो हम प्रोडक्ट्स में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो हमने काफ़ी बार देखा भी है बहुत सारे प्रोडक्ट्स में जहाँ पे फ्लैग की पिक्चर में रहता है तो वो पूरी तरह से बैंड है। अगर आप यूज़ कर रहे हैं या एम्ब्लेम यूज़ कर रहे हैं किसी कंट्री का, आप स्क्रीन में देख सकते हैं, थोड़े सैम्पल्स मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं, वैसे अगर कोई आप इमेजेस यूज़ कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी केस कर सकता है। तो अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको यूज़ करना बिल्कुल छोड़ दीजिए। दोस्तों न्यूज़ तो यहाँ पे अब हो चुकी है ख़त्म, और जैसा मैंने आपको कमिटमेंट दिया था कि मैं हर तड़का न्यूज़ के साथ एक आपको गिव अवे देने वाला हूँ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, जो नए सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए। तो आज का गिव अवे जो है मेरे पास वो है ये आईबॉल का टैबलेट कीबोर्ड। ये टैबलेट कीबोर्ड मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ। ये बेसिकली जो टैबलेट यूज़ करते हैं उनके लिए है, बहुत ही नीट एंड क्लीन टैबलेट कीबोर्ड है, आईबॉल ब्रांड से है। और एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों, मैं किसी ब्रांड का यहाँ पे पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ या एंडोर्समेंट नहीं कर रहा हूँ। ये जो प्रोडक्ट्स मेरे पास पड़े हुए हैं वेयरहाउस में, उसी में से मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये जो यूएसबी वायर है ये आपको कनेक्ट कर देना है टैबलेट के साथ, और फिर आप ये कीबोर्ड यूज़ करके टैबलेट यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से होगा मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए। तो अगर आप क्वालिफाई होना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं सिर्फ गिफ्ट के लिए ही सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ताकि आप लोग दूसरे फ़ायदे भी मेरे चैनल से उठा पाएँ, जैसे कि ई कॉमर्स के बारे में है, स्टार्टअप्स के बारे में है, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन जिससे आप ऑनलाइन पैसे कैसे कमा सकते हैं, वो सारी जानकारी मैं मेरे चैनल के थ्रू आपको पहुंचाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, और आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक भी डेफिनेटली करिएगा, उससे मैं थोड़ा मोटिवेट भी हो जाऊँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।